हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एवरीथिंग पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है, इसका आंसर बताइए। दोस्तों, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टुंड्रा। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है, इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 60%। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अपक्षरण। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्केरी। दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका आंसर होते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरवन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है, इसका आंसर होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका आंसर होता है ये। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, इसका आंसर होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नोहक्लियाई झरना किस प्रदेश में है, इसका आंसर होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है, इसका आंसर होता है। दोस्तों,
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिना रिफाइनरी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलियो रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देवी नदी। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसे करेक्ट आंसर है मध्य एशिया। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनती है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका आंसर दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, जय हिंद।